अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रंट ओपन अबाया कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल। वैसे तो मैं पहले भी अपने चैनल पर फ्रंट ओपन अबाया विद कफ स्लीव्स की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया, बट उसके अंदर कुछ व्यूअर्स को पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम थी, इसीलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल दोबारा शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ताकि आपको जो भी डाउट्स थे वो अब क्लियर हो जाएँ इस वीडियो में। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दिस एंड द सेकेंड थिंग इज़ इस वीडियो में मैं आपके साथ अबाया विद लाइनिंग शेयर करूँगी, यानी कि मैं आपको अस्तर वाला बुरखा बनाना सिखाऊँगी। क्योंकि अगर आप कोई हल्का फैब्रिक इस तरह का ले रहे हैं, आजकल चल रहे हैं फैब्रिक डिज़ाइनर और हल्के होते हैं और उसके अंदर अस्तर लगाना होता है, तो वो किस तरह से हम बना सकते हैं। तो अगर आप सिंपल भी बनाना चाहें बगैर लाइनिंग का, तो उसका भी प्रोसेस सेम ही है। उसके लिए आप वो वाली पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं, या इस वीडियो में भी बिल्कुल प्रोसेस सेम है, बस हम लाइनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, तो वो थोड़ा कुछ अलग होगा सीखने में। लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि अगर हम विदाउट लाइनिंग बनाएं तो किस तरह से बनाएं, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस लाइनिंग अगर लगा दें तो भी प्रोसेस यही रहेगा। तो यहाँ पर फैब्रिक मैंने मेन फैब्रिक जो लिया है डिज़ाइनर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, और लाइनिंग के लिए कॉटन फैब्रिक लिया है। सो कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक ये लाइनिंग फैब्रिक है, इसकी कटिंग मैं आपने बाद में बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप एक ही फैब्रिक यूज़ करें विदाउट लाइनिंग, तो बिल्कुल कटिंग सेम है जो मैं इस फैब्रिक के ऊपर करूँगी। ये हमारे अबाया का मेन फैब्रिक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर बिछा लिया है। तो इस तरह से ये फैब्रिक की लेंथ है और विद है। विद यहाँ आप चेक कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आपको अबाया में घेर चाहिए तो आप ज़्यादा विद का फैब्रिक लें तो अबाया में ज़्यादा विद होगी। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है, डबल फोल्ड करके इसको बिछाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर से ये जो है हमारी फोल्डेड साइड है, ये क्लोज साइड है और नीचे की ओपन साइड है। तो यहाँ से बिल्कुल फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके अब ऊपर से मैं कटिंग कर रही हूँ, ताकि हमारी बैक और फ्रंट अलग हो जाए। तो इस तरह से बैक और फ्रंट फैब्रिक का अलग हो गया है, जितनी भी लेंथ थी उसको पूरा फोल्ड करके मैंने ऊपर से कट कर दिया, तो इस तरह से बैक और फ्रंट अलग हो गया। तो अब यहाँ से हम पहले अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, और जिसको मैंने टू फोल्ड्स में बिछा लिया है। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर। यहाँ बस मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। मेजरमेंट के हिसाब से हमने फोल्ड नहीं करना, जितनी भी फैब्रिक की चौड़ाई है बस उसे आप फोल्ड कर दें। तो यहाँ से हम अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अक्रॉस बैक का मार्क मैं कर रही हूँ 8 इंचज़ पर। नॉर्मल 7 इंचज़ पर होता है, लेकिन यह अबाया है तो वो ढीला होता है, तो इसीलिए हम अपनी मेजरमेंट से ज़्यादा ही रखेंगे। इसी तरह आर्म होल पर भी मैं 8 इंचज़ का मार्क कर रही हूँ। अच्छी तरह मार्क करके लाइंस को सीधा कर लें। तो यहाँ अब मैं चेस्ट का मार्क कर रही हूँ। आपको अपनी मेजरमेंट से 2 to 3 इंचज़ ढीला ही रखना है, क्योंकि हम अबाया बना रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर 11 इंचज़ पर चेस्ट का मार्क कर रही हूँ। इसके बाद चेस्ट से 6 इंचज़ नीचे हम वेस्ट का मार्क करेंगे। अगर आपकी हाइट लंबी है तो आप 7 इंचज़ नीचे मार्क करें, नहीं तो अदरवाइज 6 इंचज़ नीचे मार्क करें। इसी तरह वेस्ट का भी मैं 9 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर 9 इंचज़ पर मैंने वेस्ट का मार्क किया है। अब इन मार्क्स को एक दूसरे से मिला दें। तो अब वेस्ट का मार्क करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फुल लेंथ का मार्क किया है। 54 इंचज़ मैंने फुल लेंथ रखी है, जिसपे नीचे मैंने यहाँ पर मार्जिन समेत 54 इंचज़ लेंथ रखी है, तो यहाँ पर नीचे मैंने मार्क कर लिया है। अब आपने जो आपकी ओपन साइड है वहाँ से 2.5 इंचज़ आगे पर मार्क करना है। ये हमने इसलिए करना है क्योंकि हमने जो है फ्रंट साइड जो है 2.5 इंचज़ एक्स्ट्रा कट करनी है, इसलिए यहाँ पर मार्क किया है। अब वेस्ट के मार्क को बिल्कुल बॉटम के मार्क तक इस तरह से इंच टेप को रखें और इस तरह से सीधा बॉटम तक ए लाइन मार्क कर दें। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं अबाया के हमारे फिटिंग का मार्क हो गया है। अब हम यहाँ पर मार्जिन का मार्क करेंगे। तो 1.5 इंचज़ मैं यहाँ मार्जिन पर मार्क कर रही हूँ। ज़्यादा मार्जिन तो नहीं लेना, क्योंकि हमने पहले से ही ढीला रखा है। जितना हम नीचे की साइड पर आते जाएंगे मार्जिन आप उतना ही कम कर दें। 1 इंचज़ पर मैं यहाँ नीचे मार्जिन ले रही हूँ। सो यू कैन सी इस तरह से हमारे अबाया के बैक पार्ट की मेजरमेंट हो गई है। तो इसको हमने कट कर लेना है।
तो जी यहाँ पर हमारे अबाया के बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने अबाया के फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो हमने पहले कट किया था, इसको भी टू फोल्ड्स करके हमने रखना है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी ओपन साइड है और पीछे हमारी फोल्डेड साइड है। तो ओपन साइड से हमने कटिंग करनी है। अब ओपन साइड की तरफ से ही हमने अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर बिछाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आगे से मैंने छोड़कर पीछे की तरफ बैक पार्ट को इसके ऊपर बिछाया है। तो यहाँ से मैंने 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है बटन पट्टी लगाने के लिए, इसलिए इसके पीछे से यहाँ पर हमने बैक पार्ट को रखा है। तो बिल्कुल सेम इस तरह से मेजरमेंट का जो मार्क हमने किया है बैक पार्ट का, उसी के ऊपर कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल सेम आगे और पीछे का रहेगा, बस हमने 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा आगे का रखना है। तो जी इस तरह से आप देख सकते हैं अबाया के हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है, इसको भी मैंने पूरा फोल्ड करके रख लिया है, पूरी उसी लेंथ के मुताबिक जो हमने फ्रंट की ली है। ये फोल्डेड साइड है, ऊपर से कट कर बैक और फ्रंट अलग कर लेंगे। इसी तरह से नीचे से भी हम कट कर देंगे, इस तरह से पूरा हमारा फैब्रिक जो है अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक और फ्रंट पार्ट हमारी लाइनिंग का अलग हो गया है। पहले हम बैक पार्ट की लाइनिंग कट कर लेंगे। अब इस लाइनिंग के ऊपर हमने अपने बैक पार्ट की कटिंग को रखना है इस तरह से, और बिल्कुल इसकी मेजरमेंट के हिसाब से ही बिल्कुल लाइनिंग को भी कटिंग कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइनिंग का जो फैब्रिक है हमारे मेन फैब्रिक से यहाँ से कम है, तो यहाँ पर हम अलग से कली लगाकर जोड़ देंगे। तो कली हम इस तरह से लगाएंगे जो हमारा ये जो फैब्रिक बचा है ऊपर की साइड से, इसी में से जो साइड में से हम फैब्रिक निकालेंगे, इसकी कली लगाकर यहाँ पर इस तरह से आसानी से जोड़ देंगे। हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक बराबर लेना है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ देना है। तो यहाँ पर अब मैंने फ्रंट पार्ट को भी की भी लाइनिंग इस तरह से फोल्ड करके रख ली है, और ये फ्रंट पार्ट का मेन फैब्रिक है, इसको इसके ऊपर इसी तरह से बिछाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमने ओपन साइड की तरफ से बिछाया है फैब्रिक को, क्लोज साइड पीछे की तरफ है, और बिल्कुल इसके बराबर ही लाइनिंग की भी कट कर देनी है। यहाँ पर भी पीछे की तरफ से जितना भी फैब्रिक कम पड़ेगा उसकी भी यहाँ पर ऊपर के बचे हुए फैब्रिक में से कली लगाकर इस तरह से कट करके जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये हमारे अबाया के फ्रंट पार्ट की राइट वाली साइड है जिसमें हमने फैब्रिक में लाइनिंग को जोड़ना है। तो सिर्फ आगे की तरफ एक सिलाई लगानी है और शोल्डर की साइड पर सिलाई लगा के जोड़ना है। और ये फ्रंट पार्ट की लेफ्ट वाली साइड है, इसको भी हमने फैब्रिक को इसमें भी लाइनिंग के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने शोल्डर से सिलाई लगानी शुरू करनी है, इस तरह से नीचे तक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने ऊपर से नीचे तक सिलाई लगाई है, और यहाँ पर शोल्डर से और यहाँ आर्म होल तक यहाँ पर सिलाई लगाई है। फिटिंग पर कोई सिलाई नहीं लगाई, आपको फिटिंग पर कोई सिलाई नहीं लगानी, फिटिंग से जो है फैब्रिक को नहीं जोड़ना लाइनिंग के साथ, बस आपने इतना ही जोड़ना है आगे से पूरा नीचे तक शोल्डर और आर्म होल तक। और यहाँ पर ध्यान देना है कि हमने बॉटम में लाइनिंग को मेन फैब्रिक से कम ही रखना है। यहाँ पर मैंने लाइनिंग को भी फोल्ड कर दिया है, यहाँ पर यह आप देख सकते हैं मैंने चौड़ी सिलाई लगा के बॉटम को फोल्ड कर दिया है, बट अभी मेन फैब्रिक के बॉटम को फोल्ड नहीं किया है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके बॉटम को फोल्ड नहीं किया है। इसी तरह से यहाँ मैंने ये अबाया के बैक वाला पार्ट है, यहाँ पर भी शोल्डर्स और आर्म होल तक ज्वाइन किया है। यहाँ पर मैंने सुई की हेल्प से लाइनिंग को फैब्रिक में ज्वाइन किया है, और यहाँ पर फैब्रिक को लाइनिंग में वेस्ट तक मैंने ज्वाइन किया है, इससे नीचे पर कोई ज्वाइन नहीं किया है। सो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये हमारे अबाया के फ्रंट पार्ट की राइट वाली साइड है, यहाँ पर मैंने 1.5 इंचेस पर मार्क किया है टॉप से बॉटम तक, और इसको इस तरह से मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ। आपने अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पर इसको आयरन कर लेना है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी आपके फ्रंट की बटन पट्टी की। तो यहाँ पर बटन पट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से आयरन करके इस तरह से फोल्ड कर लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक में इसीलिए ज्वाइन नहीं करा था, यहाँ आप देख सकते हैं दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया आगे से फोल्ड करने की वजह से। अगर हम ज्वाइन कर देते तो झोल आ जाता जब हम बटन पट्टी बनाते, तो इसलिए आपको ज्वाइन फैब्रिक को लाइनिंग में नहीं करना नीचे तक।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अबाया के फ्रंट पार्ट की लेफ़्ट वाली साइड। यहाँ पर भी मैं 1.5 इंचेस पर टॉप से बॉटम तक मार्क कर रही हूँ। इस साइड पर हमारी बटन टेक पट्टी बनेगी, वो सिंपल फोल्ड करके ही बनती है। तो यहाँ पर 1.5 इंचेस तक इसको मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर दूँगी और इसे भी उसी तरह से हम यहाँ पर आयरन करके अच्छे से दबा देंगे ताकि इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो अब इस तरह से आयरन करने के बाद बटन टेक पट्टी पर हम ऊपर से नीचे तक यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमने आयरन से फ़ोल्ड किया था। अब इसको आगे से भी हाफ इंच पर फोल्ड करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं थोड़ा सा आगे से भी हम फोल्ड करेंगे और टॉप से बॉटम तक एक सीधी सिलाई लगानी है और बहुत फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है क्योंकि वो आगे हमारी सिलाई नज़र आएगी। तो इस तरह से हमारे अबाया के फ्रंट पार्ट की लेफ़्ट वाली साइड पर बटन टेक पट्टी बनकर फोल्ड हो गई है। इसी तरह से हमने बटन टेक पट्टी बनानी है। तो ये है हमारे अबाया के फ्रंट पार्ट की राइट वाली साइड जिसमें हम बटन पट्टी लगा के रेडी करेंगे। तो ऊपर से नेक पर 6 इंचेस का मैं मार्क कर रही हूँ, इसके नीचे से हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर बटन पट्टी के लिए मैंने ये प्लेन फैब्रिक लिया था, चौड़ाई इसकी 4 इंचेस ली थी, फोल्ड करके ये 1.5 इंचेस आ गया है और इसके साइड से मैंने इसको ओवरलॉक कर दिया है। तो इस तरह से ये बटन पट्टी हम इसके ऊपर ज्वाइन करेंगे। तो नेक पर 6 इंचेस नीचे से और बॉटम पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने नीचे आपको बटन लगाना पसंद है आप उतना मार्क कर लें। यहाँ पर मैं बॉटम से 10 इंचेस ऊपर मार्क कर रही हूँ, 10 इंचेस ऊपर तक मैं यहाँ पर बटन पट्टी ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पर नेक के 6 इंचेस के मार्क से हम ये बटन पट्टी लगाना ज्वाइन करेंगे। अभी हमने सिलाई कोई नहीं लगाई है, सिर्फ आयरन से फोल्ड ही करा था फैब्रिक को, इसके ऊपर से ये बटन पट्टी लगाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये जो सिलाई नज़र आ रही है जो हमने लाइनिंग में ज्वाइन करने के लिए लगाई थी, बस इसी सिलाई को फॉलो करते हुए नीचे तक हमने सीधी सिलाई लगा कर ये पट्टी ज्वाइन करनी है। आगे की तरफ से 1/4 इंच बस इस पट्टी को थोड़ा सा पीछे कर दें ताकि बाहर से दिखाई नहीं दे। बस इस तरह से सीधी सीधी सिलाई लगा के नीचे तक ज्वाइन कर देनी है। अब ये बॉटम का 10 इंच का मार्क आ गया जहाँ तक बटन पट्टी ज्वाइन करनी थी। यहाँ पर सिलाई को पक्का करके निकाल दें और जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर दें। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारी बटन पट्टी। इस तरह से ये अंदर की तरफ अलग से ज्वाइन हुई है जिसमें कि बटन अटैच होंगे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ओवरलॉक मैंने कर दिया था ऊपर से नीचे तक। तो ये हमारी बटन पट्टी है जो राइट वाली साइड पर है और ये है बटन टेक पट्टी जिसको कि हमने बस सीधा ऊपर से नीचे तक फोल्ड किया है और ये है लेफ़्ट वाली साइड। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आपको बटन रखकर बता देती हूँ, ये टिच बटन है। तो यहाँ पर तो हमारा वो बटन लगेगा जो इसमें अटैच होगा और यहाँ पर इस तरह से इस बटन पट्टी पर अटैच करने वाला बटन दूसरा लगेगा। तो ये इस तरह से ओवरलैप करके एक दूसरे में अटैच हो जाएंगे। बटन जो है हमारा इस पट्टी में अटैच होगा, ऊपर की साइड पर नहीं होगा। ऊपर की साइड पर हम इस तरह से ये शो बटन ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमारे बाहर से नज़र आएंगे, जो दिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने ये ज्वाइनिंग की है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स वेरी क्लियरली। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमने बटन पट्टियाँ बनाने के लिए 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो 1.5 इंचेस की ये पट्टियाँ फोल्ड हो गई और 1 इंचेस एक्स्ट्रा इसको हम ओवरलैप करके इसके ऊपर रखेंगे तो उसमें चला जाएगा। फिर भी जो हम ओवरलैप करके रखेंगे इस तरह से, तो ये बैक वाली साइड को इसके ऊपर अच्छी तरह से बिछा लें और जहाँ तक ये दोनों बराबर हों उतना आप इसको ओवरलैप कर लें। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा साइड में से हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा और इसके ऊपर ऊपर कर लें और फिर दोबारा साइज़ चेक करें कि ये दोनों बराबर हों फ्रंट और बैक पार्ट। अब इन दोनों को ओवरलैप करने के बाद इन्हें पिन से ज्वाइन कर लें। इसके बाद हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको पिन से ज्वाइन कर दिया। अब इसको सेंटर से इस तरह फोल्ड कर लें। तो यहाँ पर इसको फोल्ड करके रखने के बाद नेक की मेजरमेंट का मार्क करें। 3 इंचेस मैंने यहाँ पर नेक की विड्थ ली है और इस तरह से यहाँ ट्राइंगल में मैं 8 इंचेस पर इसकी लेंथ का मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर सीधा आप ट्राइंगल में नेक बना दें, ट्राइंगल ही नेक बनता है अबाया का। और अब इस मार्क को कटिंग कर दें।
तो इस तरह से नेक की मेजरमेंट का मार्क हो गया है। ये जो आगे पट्टी में इस तरह से कट बचा है, इसको आगे से मार्क करके इसको इतना कट कर दें। तो अब नेक को स्टिच करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पर सीधी पट्टी लेनी है। ये मैंने पट्टी ली है ब्लैक फैब्रिक की। इस तरह से यहाँ पर रखना है, हाफ इंच पर सिलाई लगानी है और पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है। बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह हम सिंपल नेक फोल्ड करते हैं बस इसी तरह करना है। राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी इस तरह से पट्टी लेनी है, हाफ इंच पर सिलाई लगा के पीछे की साइड पर फोल्ड कर दें और आगे से भी पट्टी को फोल्ड करके लगा दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाया का नेक बनकर रेडी है। सिंपल यहाँ पर हाफ इंच की सिलाई लगाकर मैंने पीछे की तरफ नेक को फोल्ड कर दिया है। तो बहुत सिंपल है नेक बनाना। अब बैक पार्ट को रखते हुए फ्रंट और बैक को शोल्डर से ज्वाइन कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शोल्डर से फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच कर दिया है। अब हम बैक नेक बनाएंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट और बैक ज्वाइन करने के बाद कितना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो आप उसको कट कर अलग कर दें। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट और बैक हमारे बिल्कुल बराबर हैं। इसके बाद बैक नेक बनाएं। ये आप देख सकते हैं बैक नेक के लिए आपने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है, सीधी पट्टी लेनी है। और यहाँ पर बैक नेक की मैंने कोई भी कटिंग नहीं करी है, ये सीधा ही है। ये यहाँ पर आपको सीधी इसके ऊपर सीधी पट्टी ज्वाइन करनी है। यहाँ पर शोल्डर की तरफ से 1 इंच पीछे से आपको पट्टी ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए हाफ इंच तक इस तरह से ऊपर की तरफ रखें और सीधी सिलाई लगा दें। बहुत आसान है बैक नेक बनाना। बिल्कुल ये नेक बनाने का अबाया का रेडीमेड स्टाइल है। आप देखे होंगे रेडीमेड अबाया में बिल्कुल इसी तरह के नेक बने हुआ होता है। बहुत आसान तरीका है ये नेक बनाने का। यहाँ पर सीधी सिलाई लगाने के बाद अब इस पट्टी को पीछे की साइड पर फोल्ड कर दें। तो इस तरह से सिंपली हमारे अबाया के फ्रंट और बैक नेक बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से यहाँ पर ये नेक बनकर रेडी है। तो आई होप आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो अब आते हैं हम स्लीव्स पर। स्लीव्स की मैंने सिंपली ही कटिंग करी है इस तरह से। ये हमारे स्लीव्स की ये शेप आएगी। तो यहाँ पर बॉटम में मैंने ये प्लेन फैब्रिक ज्वाइन करा है 2.5 इंचेस लंबा। और यहाँ पर इसको अस्तर भी इसमें ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अस्तर की सिलाई मैंने सिर्फ यहाँ पर ऊपर तक लगाई है। और बॉटम से भी आप इसको पहले ही फोल्ड कर लें, अबाया में ज्वाइन करने से पहले अस्तर को फोल्ड कर लें। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं ये हमारे स्लीव का अस्तर है जिसकी मैंने फ़िटिंग पहले ही लगा दी है। जहाँ तक हमने लाइनिंग और फैब्रिक को ज्वाइन करा था वहाँ तक फ़िटिंग लगाई है अस्तर की। ये देख सकते हैं ये यहाँ तक ज्वाइन हुआ हुआ है। अब हम यहाँ पर मेन स्लीव की फ़िटिंग लगाएंगे। पहले हमने अस्तर की स्लीव्स की फ़िटिंग लगाई है और अब हम इसकी मेन फैब्रिक की स्लीव्स की फ़िटिंग लगाएंगे। सिर्फ स्लीव्स में हम मेन फैब्रिक की स्लीव अलग ज्वाइन कर रहे हैं और अस्तर के अलग नहीं। तो नीचे पूरे अबाया में अस्तर और मेन फैब्रिक की फ़िटिंग हम साथ ही में लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं स्लीव्स की फ़िटिंग लगा रही हूँ ये फ़िटिंग मैंने वहीं तक लगाई है जहाँ तक अस्तर और फैब्रिक को मैंने पहले ज्वाइन करा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्लीव्स की फ़िटिंग करने के बाद ये दो बीच में थोड़ा सा पार्ट हमारा बचा है, इसी के अंदर से हम स्लीव को बाहर निकाल देंगे। इस तरह से बहुत आसान है दोनों चीज़ों की अलग फ़िटिंग करना। तो अब यहाँ से सीधा यहाँ से फ़िटिंग लगाकर आप पूरे अबाया की नीचे तक फ़िटिंग लगा दें। सो यू कैन सी आर फ्रंट ओपन अबाया इज़ ऑल स्टिच्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बटन पट्टियों पर बटन लगाकर इसको रेडी कर लिया है। ये टिच बटन है। इस बटन पट्टी पर बटन का अपर वाला पार्ट अटैच किया है और नीचे बटन टेक पट्टी पर बटन का नीचे वाला पार्ट अटैच हुआ है जिससे ये दोनों एक दूसरे में अटैच होंगे।
और यहाँ ऊपर की तरफ मैंने शो बटन लगाकर इसको रेडी किया है, जो मैंने नीडल की हेल्प से लगाया है। आप देख सकते हैं कितना फिनिश्ड लुक अबाया का आया है। तो आई होप ये पट्टियाँ बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा और बिल्कुल समझ में आया होगा। ऊपर से नीचे तक मैंने फिटिंग की है, बॉटम में मैंने मेन फैब्रिक पर पीको किया है। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा अबाया बनाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपको इसका ओवर लुक भी दिखाना चाहूँगी, पहनकर इसका लुक किस तरह से आया है।